जैन प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर में आप सभी बच्चों को एक नया कंसेप्ट समझाऊंगा जो एलजेब्रा का है, मतलब हिंदी में बोले तो बीजगणित का टॉपिक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है तो इसके अंदर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर गुणा करना है। तो लगभग 99% बच्चे, मतलब 99% लोग देर लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। अधिकांश बच्चे 5 से 10 मिनट भी लगा सकते हैं, कोई 2 मिनट भी लगाता है, कोई 3 मिनट भी लगाता है, ठीक है ना। तो 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट ना लगा के ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको 2 से 5 सेकेंड के अंदर कराना हल करना सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ सभी बच्चे, और मैंने थंबनेल के अंदर भी लिख रखा है, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है कि 99% लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में देरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं देरी? क्योंकि उनको ये कंसेप्ट पता नहीं है, ये ट्रिक पता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो आ जाओ सभी बच्चे, मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा और आगे भी सिखाता रहूंगा। अब देखो बच्चों, 1500 दे रखा है क्वेश्चन, 1570 गुणे 75 प्लस 25 गुणे 1570, ठीक है, बोले तो 1570, ठीक है बच्चों। आगे देखो, नीचे लिख रखा है सबके बस की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को सब नहीं कर सकते, लगभग 1 या 2% बच्चे ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसका नया तरीका, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। नीचे देखो, मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना 5 सेकंड के अंदर। बताने में 5 मिनट लगेगी या 2 मिनट लगेगी ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, परंतु आप जब मैं 5 मिनट के अंदर क्या समझा रहा हूँ, सॉरी 2 मिनट लग जाएगी, कम से कम 2 मिनट लगेगी इसके अंदर, तो 2 मिनट के अंदर क्या समझा रहा हूँ उसको समझो एक बार कंसेप्ट को, फिर उसकी प्रैक्टिस 4 से 5 बार करोगे ना आप, फिर देखना, फिर पेपर कॉपी में करो, फिर 1-2 बार और प्रैक्टिस करो, फिर आपका आंसर भी 2 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आने लग जाएगा। तो बिना देरी किए अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो देखते हैं क्वेश्चन को, आगे चलो। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 1570 गुणे दे रखा है 75 प्लस 25 गुणे 1570, ठीक है। तो क्वेश्चन सबने देख लिया अच्छे तरीके से, तो अब कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं, उनका गलत तरीका बताता हूँ कि इनको क्या करते हैं, वो गुणा करते 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 पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं, इसको ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणे 75, 5 को इससे करेंगे 0, 7 5 35 5 3, 5 25 28, 2 5 2 7, फिर गुणे करेंगे 7 को 0 से किया 0, इसको इससे किया 49 का 4, 7 5 35 4, 39 का 3, 7 3 10, ऐसे करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर नीचे नहीं है तो इधर देखो इधर जोड़ेंगे 0, फिर 5 0 5, 8 9 17 का 7 एक हासिल, फिर 7 9 16 1 17, 17 का 1 सॉरी 17 का 7 एक हासिल, फिर 1 1 का सिल 2, तो 27,250 इसमें कर रहे हैं इतना, तो इसको सोल्व करने में 2 मिनट लगेगी आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस मेरी तो प्रैक्टिस हुई हुई है, इसलिए मैं तो 2 या 3 मिनट से पहले कर देता हूँ 50 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर। तो अब देखो बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसको भी करोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, मतलब आप मान लो 2 + 2 4 मिनट, और इसको जोड़ोगे फिर वैसे करोगे आगे जो भी करना है वो, तो फिर 5 मिनट तो मान लो कम से कम, मान रहे हो आप, तो 5 मिनट ना लगाएंगे, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ 5 सेकंड के अंदर करने का, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जितनी देर आप देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है बच्चों, आप थोड़ा बहुत माइंड लगाओ कि इसके अंदर क्या करना है, ऐसे क्या कर रहे हो आप सर कि ये 2 सेकंड गया 5 सेकंड के अंदर भी हो जाएगा। तो बच्चों अभी तो आपके दिमाग में माइंड में नहीं आ रहा, जब मैं बता दूंगा ना तो आप बोलोगे अरे सर जी ऐसा भी होता है। हाँ बच्चों, सब कुछ होता है, कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो 10 मिनट के अंदर होती तो है, परंतु उसको 10 या 2 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक है, आपको नहीं पता है, जब आप मैथ के डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे ना गणित के, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे से तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन 1570 गुणे
आगे क्या दे रखा है बच्चों, आगे 75 मतलब 75 भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अब देखो प्लस 25 गुणे 570 है, तो क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है कि यहाँ पे समान संख्या कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है ठीक है 1570, तो इसको आप मान लो, क्या मानोगे आपके हिसाब से बता दो, ए बी सी डी में से कोई सा भी अक्षर बता दो, कोई सा भी, हाँ जो आपके मन में आ रहा हो, मान लो ए, मान लो ए मान लिया आपने, और इसको क्या मानोगे, अगर ये सेम सेम होता तो ये भी ए ही होता ठीक है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो सेम सेम है इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट तक वहाँ पर ए लगा दो, ये रहा सेम वाला, ये भी ए माना जाएगा ठीक है। और क्या करना है, अब जो दूसरा है तो इसको बी मान लो, तीसरा इसको सी मान लो, अब आपके हिसाब से मान सकते हो आप, इसको डी भी मान सकते हो, इसको सी भी मान सकते हो, आपके हिसाब से जो भी अल्फाबेट्स है वो लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्ट याद होगा, याद तो क्या होगा मैंने बताया नहीं कब, तो कैसे याद होगा, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे बच्चों कि जब भी अपन क्या करते हैं, ए गुणे बी प्लस सी गुणे ए, ऐसा करते हैं ना कभी भी, तो आपको फीलिंग आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा सर जी, हाँ हमको सर ने कराया था कि एक को कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक कंसेप्ट है अलजेब्रा का, बीजगणित का, तो ए बाहर निकल के आ जाता है और ब्रैकेट में बी प्लस सी होता है ठीक है बच्चों, कितना तो पता है आप सभी को पता है। तो अब आगे क्या करना है, इसको इसी कंसेप्ट से हल करना है, तो ये तो छोटा है थोड़ा बहुत, आगे धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें बहुत लेवल के आएंगे ठीक है। ये तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हमको आता है, तो बच्चों आपने सीखा है तब आया ना, 5 मिनट के अंदर सीखा तब आया, आप प्रैक्टिस किए तब आया, ऐसा नहीं आता कोई भी मैथ का क्वेश्चन। अब देखो ये कंसेप्ट मैं थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ अच्छे तरीके से इसको, तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है कि ये कैसे आया, कैसे निकल के आया, इसमें क्या क्या करना है आगे स्टेप बाय स्टेप। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं है अभी आधा अधूरा देख के आप इस क्वेश्चन को पूरा हल कर लोगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जिस ज्ञान को ले रहे हो ना वो जब पूरा लोगे ना तभी आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो ठीक है। अब देखो इसको पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको बीच में रोक सकता है। अब देखो क्या करना है, इसको क्या माना था, ए माना था, इसको बी, इसको सी, इसको ए, तो हमको क्या पता था कि ये क्या होता है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी होता है ठीक है बच्चों, ये इतना सी याद रखना है आपको अभी, तो फिर बाद में क्या करना है वो मैं बता दूंगा, अभी इनको फेयर कॉपी में लिख लिया करो आप स्टार लगा के ठीक है बच्चों। ये मेन पॉइंट होते हैं, मतलब मुख्य बिंदु होते हैं जिनको याद करना और कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छा, मतलब बहुत काम का है ठीक है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के अंदर आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। आपको कैलकुलेशन के अंदर देख लो ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा आते हैं, कैसे भी मान लो, कोई सा भी क्वेश्चन मान लो ठीक है। अब देखो आगे बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं आगे, देखो अब ए है तो ए को अपन लिखेंगे यहाँ पे, देखो ए 1570 को माना, 1570 फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट, फिर बी किसको माना, 75 को, सी किसको माना, 25 को प्लस 25। अब बच्चों दिखने में तो बहुत कठिन लग रहा था आपको कि सर जी इसमें 4 से 5 मिनट लगेगी, परंतु अब देखना 5 से 7 सेकंड में कैसे कर सकते हो, 1570 को ऐसा कैसा लिख लो। अब देखो सॉरी यहाँ पे 0 आएगा 7 आएगा 70 है यहाँ पे, फिर क्या करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा आ जाएगा ठीक है, यहाँ पे याद रहेगा ना गुणा आता है हमेशा ब्रैकेट हटाते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो जोड़ो तो 100 हो जाएगा ठीक है, 100 हो गया। अब क्या करना है, इनको गुणा कर दो, तो देखो गुणा कैसे करेंगे, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं रकबा पे ले लेते हैं, इसको चालू कर देते हैं 1570 गुणे 100, इसको करेंगे इससे 0, इसको 0 0 0 0 ऐसे करते 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 0 करते करते फिर 0 फिर 7 फिर 5 फिर 1 ऐसे करते करते इनको ऐड करके लाते हैं ठीक है आंसर। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं करना वो आगे मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ देखो बच्चों पहले, तो इसको ऐसे नहीं करना, छोटे बच्चों वाले तरीके नहीं करने, LKG UKG वाले 5th क्लास तक जो कर लिया वो कर लिया, अब अपन को स्मार्ट तरीके से करना है ठीक है ना, कंपटीशन कैसे सॉल्व होता है जब स्मार्ट तरीका करेंगे। तो अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 1570 है ठीक है और 100 है, इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, इसके कितने 0 है 2, इसका कितना 1, पहले इनको लिख लो 1 हीरो 2 हीरो
अरे तीन हीरे मिल गए सर जी, ध्यान रखना आप जीरो है, ठीक है हीरो है। अब यहाँ पे 157 दे रखा है, इसको ऐसे कैसे लिख दो। कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 से 5 सेकंड लगेगी इसको सोल्व करने में, ठीक है। क्यों? अभी आपको मैंने इसका गुणा करके बताया था ना इधर यहाँ पे, तो उसको गुणा करने में कितना टाइम लगता? 2 मिनट। तो मैंने 5 मिनट तो बहुत कम बता दी, 10 मिनट लगती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल बच्चे को। ध्यान रखना जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से नहीं समझा ना ऐसे कंसेप्ट को, बीजगणित के, ठीक है ना, और मैथ के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिन जो किसी भी बच्चे को नहीं आते, लगभग 5% बच्चे हैं जिनको आते हैं सभी कंसेप्ट। आप धीरे धीरे मेरी वीडियो देखते जाओगे ना रेगुलर, तो आपको सब कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। बस आप देखते रहो, मैथ में परफेक्ट हो जाओगे गणित में, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आया? अब देखो मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका है वैसे, तो आप जल्दी से कैसे करोगे 5 सेकंड के अंदर। देखो आपके पास ए दे रखा है, ए कितना है 1570, बी प्लस सी कितना है 75/25। आप जल्दी से माइंड में देखो 75/25 कितना होता है 100, एक और आगे क्या है 1570, 1570 को गुणा करना है तो 157000 लिख दो, बस हो गया काम, 5 सेकंड के अंदर हो गया। 5 सेकंड क्या ऑप्शन देखते बता दो क्या आंसर इसका, ठीक है ना। बच्चों आज इतना ही, मैं आगे और क्वेश्चन करा था आपको 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं करा पाया, तो आगे बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो पहला तो ये क्वेश्चन है, 250×65+25×250, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और, तो ये क्वेश्चन और था जो आपके आपको वीडियो के अंदर सोल्व कराने के लिए रखा था, तो बच्चों टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक बार आंसर बताना आप, ठीक है। जब आप क्वेश्चन का आंसर दो ना, पहले क्वेश्चन लिख के आंसर दिया करो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने 4-5 वीडियो के अंदर देखा था कमेंट कि कमेंट कैसे कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं कोई सा भी, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इसे देखूंगा कि जो थंबनेल के अंदर है उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, तो वो गलत भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, पूरे वीडियो को देखता हूँ मैं पीछे जाके मेरे जो गैलरी के अंदर है, उसको देखने के बाद मेरे को थोड़ा टाइम लगता है यार, हाँ ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं तब जाके मैं आंसर देता हूँ। ऐसे गलत किसी आंसर को गलत मत दिया करो, क्यों? क्योंकि आपको जब पूरा पता नहीं है कि ये इसका ही आंसर है, तब आपको कमेंट भी मत करो, ठीक है, उसका रिप्लाई भी मत दो। जब मैं पूरा वीडियो देख के फिर देखता हूँ ना कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख के फिर आंसर दिया करो, ठीक है बच्चों, बस यही आशा है मेरी। अब आपको समझ में आ गया नहीं आया, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। देखो पहला वाला ये था तो हमने हल कर लिया इसको, इसका आंसर आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और तीसरा वाला भी होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको भी सोल्व करना अच्छी तरीके से, ठीक है, समझना अच्छी तरीके से। ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको तो सोल्व करना ही है और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।